कानपुर नगर के नौबस्ता क्षेत्र में स्थित अपना घर आश्रम में श्री राम वल्लभा कुंज जानकी घाट अयोध्या से पधारे स्वामी महेंद्र दास मयंक के द्वारा आश्रम में रह रहे विक्षिप्त लोगों से मिलकर वार्ता की गई। इस दौरान अपना घर आश्रम की अध्यक्षा उमा शुक्ला एवं सचिव जेपी सिंह ने स्वामी महेंद्र दास मयंक महाराज का स्वागत शाल उड़ाकर किया। आश्रम में रह रहे सभी प्रभु जी से मिलकर स्वामी महेंद्र दास मयंक अति प्रसन्न दिखे। उन्होंने अपने संबोधन में बताया कि वैसे तो प्रदेश में कई आश्रम संचालित हो रहे हैं, किंतु नौबस्ता में स्थित अपना घर आश्रम की खासियत अपने आप में अलग ही है। उन्होंने आश्रम में विगत कई वर्षों से रखी जा रही जरूरत की चिट्ठी को भी देखा। सचिव जेपी सिंह ने बताया कि बिना किसी सरकारी मदद के निरंतर कई वर्षों से अध्यक्षा उमा शुक्ला एवं समस्त नगरवासियों के सहयोग से सड़क किनारे अर्ध विक्षिप्तों को आश्रम संरक्षण देने का कार्य कर रहा है। आश्रम में सभी को उचित भोजन व्यवस्था के साथ साथ उनके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाता है। सैकड़ों की संख्या में प्रभु जी को सकुशल उनके घरों में वापसी आश्रम के द्वारा कराई गई है। इस मौके पर अपना घर आश्रम की अध्यक्षा उमा शुक्ला एवं सचिव जेपी सिंह ने बताया कि नौबस्ता स्थित एचएस पब्लिक स्कूल के नौ निहालों को डाबर कंपनी के द्वारा निशुल्क जूस व अन्य खाद्य पदार्थ सहित पेय पदार्थ वितरित किए गए। देखिए ये रिपोर्ट। ठीक है? क्या नाम है आपका? रिंकू। ये हाँ कुछ बोल लेते हैं, लेकिन अभी तक जो पता बताया करो। उसका बच्ची क्या है? नाम बताओगे? क्या नाम है? ईश्वर की कृपा रही, सब ठीक है। हाँ ये सेवा कोई नहीं कर पाए। तो ये नगर निगम वालों ने अलर्ट कर दिया है? 5 साल की हो चुके हैं, फिर दोबारा दौड़ रहे हैं। अच्छा अच्छा सर, आता तो सभी को ही है। अच्छा अच्छा, तो उसमें तो भैया आपके लगा रहे करेंगे। हाँ, आज आप अपना घर आश्रम आए हैं, किस लिए आए हैं, क्या देखा है, कैसे प्रभु जी से मिले हैं? एक दिन हमारी इन्हीं के संचालक हमारे ठाकुर साहब हैं और बहन जी हैं हमारी, ये हमारे कानपुर में आश्रम हमारा भी बन रहा है करौली में, तो एक हमारे प्रिय शिष्य हैं अजय जी, उनके माध्यम से मिले और इन्होंने अपना पूरा यहाँ का बताया आश्रम का, कि इस तरीके से विक्षिप्त लोग जो आते हैं उनकी सेवा करी जाती है, उनका इलाज वगैरह किया जाता है। तो आज वही देखने आए थे और ईश्वर ने जिस कार्य के लिए हमको साधु बनाया है और सेवा भाव जो इनका देखा आज हमने, बहुत ही दिल प्रसन्न हो गया। और मैं ईश्वर से कामना करूंगा और अपनी तरफ से प्रयास भी करूंगा कि आश्रम को और धीरे धीरे सुसज्जित किया जाए और यहाँ सरकार की तरफ से जो भी सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं उसका मैं प्रयास करूंगा और योगी जी तक इनकी बात पहुंचाने का प्रयास करूंगा। क्या अच्छा लगा? आश्रम कई संचालित हैं उत्तर प्रदेश में, इस आश्रम अपना घर आश्रम में क्या अच्छा लगा? देखिए आश्रम तो काफ़ी चल रहे हैं, वृद्धा आश्रम भी चल रहा है, बाल आश्रम भी चल रहा है, लेकिन जो लोग सड़क के किनारे बेचारे कूड़े के अंदर अपना भोजन ढूंढने का प्रयास करते हैं और वो अपनी सुध नहीं उनकी, ना उनको अपना घर पता है, ना उनको अपना नाम पता है, विक्षिप्त की जिंदगी बिता रहे हैं, उनकी तरफ ध्यान देने वाले कुछ ही व्यक्ति हैं जो इस तरह का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हमारे ठाकुर साहब भी हैं, हमारी बहन जी भी है। तो ये चीज़ उसको देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई और ऐसे लोगों की सेवा करने वाले बहुत ही कम लोग इस धरती के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर अवतरण लेते हैं। क्या संदेश देते हैं अपना घर आश्रम के लिए नगरवासियों? मैं सभी सनातनियों से ये आग्रह करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि जो लोग सक्षम हैं वो अपनी तरफ से जो भी प्रयास हो सके वो इनके साथ मिलकर के आगे बढ़ने का काम करें और ऐसे अन्य विक्षिप्तों को भी ला करके उनकी सेवा करके और ईश्वर की कृपा रही तो वे सब स्वस्थ होंगे और अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। जैसे अभी बताया कि दो लोग यहाँ से अपने अपने घरों को जा चुके हैं ठीक होकर के, करीब 75 लोग जा चुके हैं। 75 लोग जा चुके हैं।